सरकार ने हमें देखते हुए कहा क्या नाम के भाई प्राइवेट गेम है, इसमें कोई मदद नहीं हो पाने की डीएम साहब से बात हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है मुझे तो कम से कम अवार्ड दे दे। इन दिनों पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खुशी का माहौल है और आज हम आपको खेलों से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और मेडल भी जीते, लेकिन आज वो सब्जी बेचने को मजबूर है। आप देख सकते हैं ये उनकी दुकान है, इनका नाम प्रवीण सैनी है और इनके साथ इस वक्त इनके पिताजी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कौन से खेल में ये खेलते थे और क्या कारण रहा कि जो आज इन्हें सब्जी बेचनी पड़ रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण सैनी है, मैं सहारनपुर जिले से निवासी हूँ और मैंने खेल में खेलते थे आप? मैं मार्शल आर्ट जूडो कराटे खेलता था। इसमें सन 1999 में मैंने एडमिशन लिया मार्शल आर्ट में, खेलना शुरू किया मैंने 2002 में। मैं इंटरनेशनल बॉम्बे के अंदर गोल्ड मेडल रहा, उसके बाद 2005 में मैं सिल्वर मेडल रहा अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद नेशनल सहारनपुर में हुआ, सहारनपुर से मैं गोल्ड मेडल रहा। SD इंटर कॉलेज के माध्यम से जूडो जो सरकारी गेम होता है उसमें मैं प्रथम स्थान गोल्ड मेडल रहा। शामली से मैं स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल रहा, चीफ कोच भी रहा। तो काफ़ी गाज़ियाबाद में मैं सिल्वर मेडल रहा, काफ़ी जिलों में मैं मेडल जीत चुका हूँ, जिले से लेकर नेशनल इंटरनेशनल तक सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड। तो सरकार ने हमें देखते हुए कहा कि नम के भाई प्राइवेट गेम है, इसमें कोई मदद नहीं हो पाने की डीएम साहब से बात हुई थी। तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण फिर मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, इसी को देखते हुए मैंने ये सब्जियां काम शुरू किया पापा जी के साथ। और मार्शल आर्ट को सीखते सीखते मैंने एक चीज़ और सीखी। प्रवीण जी, आप जो मार्शल आर्ट में खेलते थे तो आपने काफ़ी लंबा टाइम गुजारा है, तो आपने अप्लाई नहीं किया किसी नौकरी वगैरह के लिए? नौकरी में बहुत अप्लाई किया, 2002 से मैंने जब स्टार्ट किया था तो प्रशिक्षण भी दिया। मेरे प्रशिक्षण वाले स्टूडेंट आज BSF में एक SI है और दूसरा बच्चा, एक बात भी हो जाती है फ़ोन पे, तो दूसरा नायब तहसीलदार है, एक बच्चा STM है। देखो प्रशिक्षण का ये मकसद होता है, गुरु चाहे कुछ भी कर रहा मगर स्टूडेंट हमारा लेवल ऊपर ही रहेगा स्टूडेंट का, क्या पता कौन सा बच्चा किस अधिकारी की पोस्ट पर पहुंच जाए। हमें तो खुशी है हमारे कॉलेज से निकला या हमारे एकेडमी से निकला बच्चा अच्छी जगह पहुंचा, अधिकारी बना, देखो नाम हमारा होगा। और मैं यही चाहूँगा कि मैं मार्शल आर्ट को अच्छी जगह सिखा कर बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराऊँ। मार्शल आर्ट में आप जब इतना आगे बढ़ गए तो फिर क्या वजह रही सब्जी बेचने लगे, क्या कारण थे आप आगे खेल नहीं पाए, खेल महंगा था क्या? देखिए मार्शल आर्ट में मैं सोच रहा था और भी गोल्ड देश के लिए निकालूं, मगर मार्शल आर्ट में एक ये कार्य हो रहा है कि फीस इतनी महंगी होती है लड़ने की भी, मतलब फाइट करने की फीस भी 5,000, 3,000, 2100, बच्चा कहाँ से दे देगा बताओ, मैं कहाँ से दे दूँगा इतनी फीस, मेरे पे अर्निंग नहीं हुआ। खेलने की चाहत तो मेरी अब भी है, मैं नेशनल इंटरनेशनल खेल सकता हूँ, अब भी उसी उसमें निकल सकता हूँ मैं मार्शल आर्ट में ही, मगर चार जब ख़त्म हो जाती है, जब 2500 या 5000 की नाम लेते हैं भाई लड़ने की फीस है, किराया भी अपना देते हैं, तो फिर मन नहीं करता, फिर मैं अपना व्यवहार ही कर ले, व्यापार ही कर ले, अपना सब्जी का काम ही ठीक है, अपना बच्चे पाल लें। स्टूडेंट लाइफ में आप जो शुरू किया था मार्शल आर्ट के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा सहारनपुर से ही मिली थी, मेरे मन में था बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट सीखूँ। एक मन में होता है बच्चे के कि मार्शल आर्ट में मैं सीख कर थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, तो मैं सीखते सीखते लोगों को सिखाने का भी काम किया, प्रशिक्षण देने का काम किया बच्चों को। तो अब क्या सोचते हैं, क्या भविष्य के बारे में क्या प्लान है? अब तो भविष्य यही है, मेडल से कुछ नहीं मिलना है, सर्टिफिकेट से कुछ नहीं मिलना है, बहुत पड़े सर्टिफिकेट मेडल, तो अब तो सब्जी बेच कर अपना व्यवहार या परिवार चलाना है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे पापा जी हैं, पिताजी है, बीमार भी रहते हैं जो कि इनके बीमारी के कारण मैं दुकान को चलाता हूँ, और मेरा भाई है बड़ा सुनील है, मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, मेरे दो बच्चे हैं। बच्चों को बनाना चाहेंगे खिलाड़ी? हाँ मैं बच्चों को बनाना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार से, देखो एक जोश भर जाता है खिलाड़ी के अंदर, कोई सरकार मदद करेगी तो खिलाड़ी के अंदर जोश बढ़ेगा, और जोश जब बढ़ेगा जब सरकार कुछ सम्मान देगी
अभी तक के कोई ना तो सम्मान मिला या कोई मदद भी नहीं मिली। तो जैसे मैं निस्वार्थ सेवा सम्मान के लिए लोगों की सेवा की, जैसे जान बचाई, डूबते हुए व्यक्ति को बचाया। मैंने सुना क्या नाम कि पंजाब की सरकार ने एक लड़के ने पंजाब सरकार में एक लड़के ने एक बच्चे को डूबते हुए बचाया था, उसी सरकार ने उसे DSP बना दिया। मतलब जिसने जान बचाई उसे DSP बना दिया गया। इस हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। 2017 में कौन खिलाड़ी कहाँ पड़ा, बहुत ऐसे खिलाड़ी है जनपद सहारनपुर प्रदेश के अंदर जो कहाँ कहाँ नहीं पड़े। मतलब बेचारे कोई रिक्शा चला रहा, कोई कुछ काम कर रहा, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मगर ध्यान नहीं दे रही सरकार। क्या आपके पिताजी भी उनसे बात करेंगे? आपका नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपका बेटा जो है इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, खिलाड़ी था, क्या कारण आगे नहीं बढ़ पाया? आगे बढ़े देश ने, मान लो जो थे ऊपर के लोग भाग थे उन्होंने ध्यान नहीं किया, जो सरकार के हमारे लड़के का ध्यान नहीं किया गया जी। परिवार की स्थिति कमजोर थी उस टाइम, तो अकेला हमारा लड़का हमारे साथ लग गया। हमारी स्थिति ऐसी थी, वो फिर घर का खर्चा पालन उसमें चलाना पड़ा। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई नहीं आया कभी मदद करने? कोई मदद करने नहीं आया। कोई किसी ने मान लो कोई प्रूफ नहीं दिया। सिर्फ योगी जी ने एक बार आए थे सहारनपुर में जेल चुंगी पे, उन्होंने बुलवाया था इनको, लड़के को हमारे, उन्होंने पुरस्कार दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी जो है आज सड़क किनारे अपना ठिया लगाकर सब्जी बेचने को मजबूर है, और उसको वो सब सुविधाएं, वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।